दोस्तों इस वीडियो में हम जाहिर करने वाले हैं कि दर्जी के काम करके हमने क्या क्या किया है और इसके कल होकर जो वीडियो आएगा उसमें बताएंगे कि YouTube से मैंने क्या क्या किया है। तो देखिए, अगर आप एक दर्जी हो ना तो इस वीडियो को पूरा देखना, आप जरा सा भी मिस मत करना ना स्टॉप करना। अगर आप आम आदमी हो जैसे कि अदर सिलाई नहीं करते हो फिर भी इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चलेगा कि एक दर्जी रियल में कितना वर्क करता है, कितना मेहनत करता है, बदले में कितना पैसा मिलता है और अपने लाइफ में वो क्या क्या कर सकता है या अपने बच्चे को जो है कितना पढ़ा लिखा सकता है और क्या क्या करवा सकता है। परफेक्ट, तो बहुत ही ये वीडियो यहाँ से बनने वाला है, दिल से बनने वाला है सारे दर्जियों के लिए या इस काम को जो सीखना चाहते हैं या जो जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे दोस्त, अपने लाइफ में जो जो हुआ है हम बताएंगे। सबसे पहले जब हम स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो हम बहुत ही गरीब घरानों से बिलोंग करते हैं और उसके बाद जब हम कमाने लगे तो मिडिल क्लास हो सकते हैं, वो गरीब वाला मिडिल क्लास। परफेक्ट, फादर जो है इट जुराई वाला काम करते हैं जिसे हम लोग राजमिस्त्री बोलते हैं और अपने भाई का भी वो कमा कमा के शादी ब्याह किए हैं और चलाए हैं, वो बड़े थे। उसके बाद जब हम होशियार हुए तो उस समय 2006-5 का बात बता रहे हैं, जब हम बच्चे थे उतना होश नहीं था तो वो लोग पढ़ाई में उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। मेरे घर में कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, सब औठा छाप। मैं 5 चाचा के बीच में मैं एक सद्दाम बड़ा लड़का था और पढ़ाई वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। पढ़ाई करते करते जैसे ही हम 8 क्लास में 7 क्लास में गए तो मेरे घर में एक सिलाई मशीन हुआ, जैसे छोटा चाचा का शादी हुआ तो उसी में मिला सिलाई मशीन, तो सिलाई मशीन से मेरा लगा हुआ और सिलाई हल्का फुल्का काज वगैरह करने लगे। उसे ही करते करते मेरा एक चचेरा भाई का दुकान है सिलाई का, उसमें है। वो दुकान बहुत ज़्यादा चलता था, उस समय रेडीमेड का ज़माना नहीं था, रेडीमेड का ज़माना साफ ही नहीं था और उस वक्त हमने एंट्री लिया। उस समय उनके दुकानों में लगभग 7-8 लोग खट रहे थे और उतना आदमी का काज बटन फिनिशिंग हम करते थे और पढ़ाई करते थे। और ऐसे ही कर करके मैंने खुद अपना पढ़ाई, और पढ़ने के कारण मैं थोड़ा सा तेज था तो मैं शॉर्ट लगभग और सूट सलवार 1.5 से 2 महीने 3 महीने के अंदर मैंने सीख गया। और ऐसे ही कोई कारीगरी नहीं, ऐसा ही सिलाई करते थे, मुझे मज़ा आता था, मन लगता था, दिल से करते थे। लगभग साल भर करीब करीब हमने इस तरीके से सिलाई किया तो फिर मेरा कारीगरी जो है स्टार्ट हुआ। तो कारीगरी स्टार्ट हुआ ना तो पैसा जब मिलने लगा तो बहुत खुशी हुआ बहुत। कोई भी इंसान जब पहला पैसा कमाता है ना बहुत खुश होता है। उसी तरीके से हम अब ऐस आराम का जिंदगी जीने लगे, कारीगरी मिलने लगा तो समय समय से ट्यूशन का फी देने लगे और कंप्यूटर कोर्स किए, आईटीआई किए, बहुत ऐसा कोर्स किए, बीएससी किए फाइनल सिलाई के पैसा से, और उसमें भी गार्जियन सहयोग दिया बहुत अच्छा खासा। लाइफ में जो भी किया है ना मेरा गार्जियन आज तक स्टॉप नहीं डाला है। इसके बाद हम जब बच्चे थे तो एक कंपनी में नॉन बैंकिंग में हमने ज्वाइनिंग ले लिया था, 8,000 रुपया सूद पे लेके पैसा, वो पैसा का लगभग 5-6 साल हो गया था, 8 साल हो गया था, बहुत ज़्यादा पैसा उसका बढ़ गया। तो हम मैट्रिक एग्जाम देकर चला गया दिल्ली, वहाँ पर मैंने कमाना शुरू किया एक्सपोर्ट कंपनी में, और एक्सपोर्ट कंपनी में कमाना शुरू किया। वहाँ से गार्जियन बोला कि सिद्धाम एक काम करो, मैट्रिक एग्जाम दियो, आ जाओ इंटर में एडमिशन करा लो। और उस वक्त कलकत्ता गया हुआ था मेरा गार्जियन, तो वहाँ से आए मैं भी कलकत्ता चला गया, कलकत्ता घूम के आया यहाँ पे। जब तक मालूम चला कि इंटर का पूरा यहाँ सीट खत्म हो गया था, छापरा गए, वहाँ एक कॉलेज है वहाँ एडमिशन लिए मैथ, और मैथ में लेना चाह लेकिन मैथ फुल हो गया था तो बायो से एडमिशन कराए, एक्स्ट्रा में मैथ लिए और इंटर करने लगे और यहाँ भी सिलाई करने लगे। उसके बाद जो है मज़ा नहीं आया, पैसा तो ज़्यादा चाहिए ना, कारीगरी में कितना पैसा है आप लोग जानते हो। तो मैंने चला गया फिर से, जहाँ गया था एक्सपोर्ट में वहाँ नहीं गया, गुड़गांव गया था इसके पहले। इसके बाद हम चला गया नेवेडा,
नोएडा में हम वहां पे कंप्यूटर सीखे थे। एक मेरा भाई है और बहनोई है बगल का ही चचेरा, जिनका जिनके दुकानों में हम सीखे हुए हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो उनके कंप्यूटर में लैपटॉप में वो अपना काम सिखाने लगे और हम एक्सपोर्ट लाइन में काम करने लगे। फिर जो है इंटरव्यू करने के लिए वो भेजे एक कंपनी जो था, लेंस कट के बारे में सुने होंगे, जो चश्मा वगैरह बनाता था, ओखला में था। वहाँ पे इंटरव्यू दिए और कुछ दिन काम किए, फिर मैंने छोड़ दिया। मज़ा नहीं आया काम करने, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा कम दे रहा था, 8,000 रुपये दे रहा था। एक्सपोर्ट कंपनी में हम 12,000 13,000 15,000 कमा लेते थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और वहाँ उसके बाद जब यहाँ आया इंटर के एग्जाम देने, इंटर का फाइनल एग्जाम दिया, बीए में एडमिशन कराए दोस्तों के साथ। गाँव ही में कॉलेज है, पीएन कॉलेज परसर, उसमें हमने एडमिशन कराया और फिर यहीं पे कारीगरी शुरू किया। फिर मज़ा नहीं आया, फिर हमने चला गया दिल्ली, फिर वहाँ काम किया। वहाँ से बहुत सा काम किया लोहा लाइन में, और बहुत कंपनी में इंटरव्यू दिए कॉल सेंटर में, ताकि किसी में हाई फाई जॉब लग जाए। और इंटर से बीए 4 साल हमको लग गया करने में, क्योंकि सेशन बैक चल रहा था, पीछे चल रहा था। उसके बीच लगभग 4 साल में एक अटैची फॉर्म हमने अप्लाई किया था, और सिलाई के काम से ही मैंने गया था, एग्जाम दिया था जहाँ तहाँ, लेकिन कहीं जॉब नहीं हुआ। कहीं हुआ तो पैसा नहीं जुटा कि उसमें हम जॉब ले लें। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं, मैं भी अपना स्टोरी बता दिया साथ ही में। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, सिलाई से हम क्या क्या कर सकते हैं और मैंने क्या क्या किया। सिलाई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम अपना जर्नी बता दिए हैं बैक से। उसके बाद जब बीए फाइनल कर लिया, आईटीआई में एडमिशन हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर आईटीआई हमने किया, सेकेंड सेमेस्टर भी क्लास किया, लेकिन जब पैसा का दबाव आया तो थर्ड सेमेस्टर फिर बाहर चला गया। वहाँ से कमा के आया तो मैंने एग्ज़ाम दिया आईटीआई का, और एक मेरा दोस्त है स्कूल चलाता है, उसी के साथ हमने सिलाई सिखाने के लिए लड़कियों के लिए सेंटर डाल दिया। सेंटर डाल के मैंने सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। लगभग 200-250-300 लड़कियों को मैंने सिलाई सिखाया भी, और उसके बाद काम मिलने लगा। तो काम हम करके दिए ना, लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने वो धीरे धीरे उस काम से कम पैसा था सिलाई सिखाने में, उसको बंद कर दिया और इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। और इस लाइन से जब से स्टार्ट किए हैं आज से मुझे ज़रा सा भी फुर्सत नहीं है, और किसी दिन काम का कमी नहीं रहता है। कारीगर भी खटवाए, बहुत सारा कारीगर खटवाए, उसके बाद जब देखे कि पैसा कारीगरों में नहीं है, इतना काम मेरा पड़ता है जितना मैं बराबर नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर सकता हूँ, एक चेला को रह कर मैं खुद से कर सकता हूँ, तब जाके मैंने फिर से करना शुरू किया। और जब काम ज़्यादा आने लगा तब कारीगर को देता हुआ, नहीं तो खुद से करता हूँ, और इससे मुझे घाटा फायदा बुझाने लगा। और इस लाइन से मैं इतना खाता हूँ रात रात भर दिन दिन भर, और लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाया। कमाया, सूद लोगों को शादी ब्याह किया, सूद दिया और कर्ज सधाया, कर्ज सधा ही रहा हूँ, और बस यही कर सकते हो कि सिलाई के काम से आप खा सकते हो, खिला सकते हो, बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे सकते हो अगर आपका दुकान अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आपका अच्छा खासा दुकान चल रहा है फिर भी आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, टेंशन में रहोगे, क्योंकि दिन रात काम काटना पड़ेगा, ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना, किसका काम घट रहा है नहीं घट रहा है, इसमें उतना पैसा नहीं है। फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है सिलाई के चैनल, ऐसे यूट्यूब बहुत पहले से हम कर रहे हैं, इसका जर्नी हम किसी और वीडियो में बता देंगे, अभी दर्जी के रिलेटिव बता रहे हैं। और मेरा चैनल सक्सेस हुआ, दिल से सिखाना शुरू किया भाई, अपना खुद से फॉर्मूला हम कितना क्रिएट किए हुए हैं, कितना बताए हुए हैं, जहाँ पे फोल्ड जाता होता था उसको हम बताए हुए, तब जाके हम सक्सेस हुए। और लगभग 3 साल से हम यूट्यूब से कमा रहे हैं, और यूट्यूब से जब कमाना शुरू किए तो बहुत हेल्प किया मेरा यूट्यूब, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। यूट्यूब के पैसों से मैंने अपना सारा शौक पूरा किया, ये दुकानों में शीशा लगवाया, जो जैके 4 देख रहे हो ये गिफ्ट मिला हुआ है, यूट्यूब के बदलत मिला हुआ है, कंप्यूटर लिए हुए हैं वो भी यूट्यूब के बदलत मिले हुए हैं, सामने आपका DSLR से शूट कर रहे हैं ये भी यूट्यूब के बदौलत ही हुआ है। यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ बताना बाकी है, तो इसके बाद हम जो बताएंगे वो यूट्यूब के बारे में बताएंगे कि यूट्यूब जो है मुझे क्या क्या दिया। और अगर आप लोग दर्जी हो भाई तो पार्ट टाइम में इनकम करना दिमाग लगाओ, यूट्यूब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है,
तो अगर आपके पास टाइम है तो अभी यूट्यूब आप हाथ लगाना, नहीं तो और भी काम कर सकते हो, खेती वगैरह कर सकते हो लीज पे लेकर या काठे पे लेकर, या पार्ट टाइम में कुछ और काम चाहो तो कर सकते हो, या आपके पास पूंजी है पैसा है तो शॉर्ट पैंट का कपड़ा लेडीज सूट का पूरा इसमें भर सकते हो। और आप उतना पैसा मत लेना जितना एक दुकानदार लेता है, आप फायदा कम लेना, कुछ सिलोगे कुछ पैसा कपड़ों में हो जाएगा, कुछ इसमें हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि नहीं जो दूसरा दुकानदार मुझे पास कपड़ा भेजता है सिलने के लिए फिर वो नहीं भेजेगा, तो भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कपड़ा रखोगे नहीं रखोगे। बट सिलाई से हमने जो बताया पूरा जर्नी, किस किस से ये कैटेगरी मिलता है, मेरे साथ भी यही हाल है, मेरे साथ भी यही हाल है, तो आप लोग अपना हाल और जगह का नाम, कहाँ से वीडियोस देख रहे हो, कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि रियल में मैं जो प्रॉब्लम झेला हूँ और मेरे साथ टेलर के काम से जितना इनकम हो रहा है, जो प्रॉब्लम है, जो दुख है और जो खुशी है, इस काम से बहुत आदमी को खुशी मिलता है। टेलर का जो काम है ना, दिल से लगा हो जाता है, क्योंकि बचपन से सीखते 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 करते करते पूरा माइंड अंग 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 में सिलाई बस जाता है। इसलिए पैसा कम हो चाहे ज्यादा हो, दिल से लगा हो जाता है सिलाई के काम से। बाकी कुछ नहीं, आप लोग अपना जर्नी कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो मेरा यूट्यूब का जर्नी पूरा शुरू से अंत तक जानना, तो आप लोग इस वीडियो को, मैं टारगेट देता हूँ मात्र 100 लाइक, आप लोग इस वीडियो को 100 लाइक कर दो और शेयर करो, पूरा दिल से लाइक करो और कमेंट करो और शेयर करो, बिल्कुल 100 को लाइक हो जाएगा। इसके बाद जो है हम YouTube का जर्नी बता देंगे, YouTube का कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ, कितना कमाया और किसको किसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और कुछ काम कर लेते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और अपने भाई एक टेलर को सपोर्ट करें थोड़ा।